प्यारे दोस्तों, फिल्मी गढ़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बताएंगे बॉलीवुड के कुछ ऐसे स्टार किड्स की जो आते ही फिल्मों में फ्लॉप हो गए। एक दो तो हिट हो गए लेकिन ज्यादातर फ्लॉप ही हो गए। वो कौन कौन है इस वीडियो में आपको जानने को मौका मिलेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बॉलीवुड की इंटरेस्टिंग खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिर्फ उदय चोपड़ा ही नहीं बल्कि 8 स्टार किड्स फिल्मों में आते ही हुए फ्लॉप। दो तो धर्मेंद्र के ही परिवार से थे। दोस्तों, बॉलीवुड में कई स्टार किड्स रहे जो अपनी डेब्यू फिल्म से ही बॉक्स ऑफिस पर छा गए और बहुत कम दिनों में दुनिया भर में अपने दमदार अभिनय से लोगों में जबरदस्त पहचान बनाई, जिसमें ऋतिक रोशन से लेकर आलिया भट्ट तक के नाम शामिल हैं। लेकिन उन्हीं स्टार किड्स में से कुछ ऐसे रहे जो सफलता का स्वाद चखने से दूर रह गए। दोस्तों, इसी क्रम में जो पहले जो नाम आता है वो है उदय चोपड़ा का। यश चोपड़ा के बेटे उदय चोपड़ा ने साल 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें से बॉलीवुड में कदम रखा था। उनकी ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लेकिन उदय का करियर नहीं एक्टिंग से नहीं बन पाया और आखिरकार उन्हें एक्टिंग को अलविदा कहना पड़ा। जो दूसरा नाम है वो है ईशा देओल। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने साल 2002 में आई फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से बॉलीवुड में कदम रखा था और उनका करियर उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्हें फिल्मों में सफलता नहीं मिल पाई और इसी वजह से उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली। दोस्तों, जो तीसरा नाम है वो है आर्य बब्बर का। दिग्गज अभिनेता राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर भी अपने पिता की तरह एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए बॉलीवुड में कदम तो रखा, लेकिन उन्हें इस फील्ड में सफलता नहीं मिल पाई। उन्होंने साल 2002 में आई फिल्म अब के बरस से बॉलीवुड में कदम रखा था। दोस्तों, जो चौथा जो नाम आता है वो करण देओल, जो कि दिग्गज अभिनेता सनी देओल के बेटे हैं। आज भी सनी देओल बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं, उनकी फिल्में आती रहती हैं, लेकिन उनके बेटे करण देओल अपने पिता की राह पर सफल नहीं हो पाए। उन्होंने साल 2019 में आई फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में कदम रखा था और अब तक वह एक भी हिट देने में असमर्थ रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में जो पांचवा नाम आता है वो अथिया सेट्टी का, जो कि साल 2015 में आई फिल्म हीरो से बॉलीवुड में कदम रखने वाली दिग्गज सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी का भी नाम इसी क्राफ्ट पर कुछ खास नहीं रहा है। दर्शकों के दिलों पर वह अपने अभिनय की छाप छोड़ पाने में पूरी तरह असफल रही हैं। दोस्तों, इसी क्रम में जो छठा नाम आता है वो है फरदीन खान का, जो कि फिरोज खान के बेटे फरदीन खान 1998 में आई फिल्म प्रेम अगन से बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। अपने पिता की राह पर चलते हुए उन्होंने एक्टिंग को अपना करियर बनाना तो चाहा, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हो पाए और आखिरकार उन्होंने फिल्मी से दूरी बना ली। दोस्तों, इसी क्रम में जो सातवां नाम आता है वो तनीषा मुखर्जी, जो कि मशहूर अभिनेत्री कासोल की बहन है। तनीषा मुखर्जी भी अपनी बहन की तरह एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उन्होंने साल 2003 में आई फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन इनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा और धीरे धीरे ये भी फिल्मों से दूर होती चली गई। दोस्तों, आठवां जो नाम आता है यानी लास्ट का जो नाम आता है वो है मिमोह चक्रवर्ती का, जो कि सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं। मिमोह चक्रवर्ती भी बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप फिल्में देते रहे और फ्लॉप एक्टर साबित हो चले और देखते ही देखते वह फिल्मों से दूर होते चले गए। वह दर्शकों के दिलों पर भी अपने अभिनय का छाप छोड़ पाने में पूरी तरह असफल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे स्टार किड्स जिनके बारे में आपने छोटा सा परिचय दिया इस वीडियो में। ऐसे और बॉलीवुड की इंटरेस्टिंग खबर लेकर हाजिर होते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अदर प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो तो हमें वहां फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।